धन्यवाद। आज सुबह के समय परमेश्वर के संगति में एक साथ मिलकर आने के लिए परमेश्वर सहायता दिए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम में अधिक अधिक परमेश्वर हमें दिला रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर करता हूँ। अभी के इस अवसर में कोरोना का भयभीति लोगों के बीच में बहुत बढ़ते वक्त विश्वास में आ रहा परमेश्वर की महिमा करने में परमेश्वर अधिक हमें समय और अवकाश खोल रहे, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद। हफ्तों में से परमेश्वर के वचनों से हम लोग देख रहे थे, कलीसिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कलीसिया के नामकरण के हिसाब से के बारे में हम लोग देख के आ रहे। आज भी उसी चीजों को हम आगे देख के जाएंगे। पहली तिसलोनिया का किताब 5वां अध्याय उसका पहला वचन, द बुक ऑफ फर्स्ट थेसलोनियंस, जी बोलो, पहली तिसलोनिया 5वां अध्याय उसका पहला वचन। हेलो, ये उसका पहला वचन, आया ना, एक मिनट मैं डिस्कनेक्ट करके फोन करता हूँ फिर एक बार। हाँ, पहली तेसलोनिया 5वां अध्याय उसका पहला वचन, क्लियर है ना? या हाँ पढ़ो, सुन रहा हूँ। हाँ, पहला और दूसरा वचन, हाँ, फर्स्ट तेसलोनी 5वां अध्याय 1 और 2। पर हे भाइयों, उनका प्रयोजन नहीं कि समयों और सालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, हाँ, कि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। परमेश्वर के धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भाइयों के बारे में, यहाँ पे लिखा गया है भाइयों के बारे में प्रयोग परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा यहाँ बताया गया है। यहाँ लिख रहे ये 5वीं अध्याय यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में पौलुस किस इस कलीसिया को यहाँ पे बता रहे हैं। अगर ये वाला हिस्सा हम लोग देख सकते हैं प्रेरितों का किताब 17वां अध्याय उसकी दूसरी वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस इस जगह पर आकर परमेश्वर की वचन घोषणा करने वाले एक हिस्सा उधर लिखा गया, 17वां अध्याय उसकी दूसरी वचन 17:2। पौलुस अपने रीति के अनुसार उनके पास गया और तीन सबके पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। उसके पहला वचन में भी देखिए, देखो ना वहां पे थेसलोनिका लिखा है ना, हाँ, तो ये हिस्सा प्रेरित अपोस्तल प्रेरित पौलुस यहाँ पे क्या किया, 3 हफ्ता तक यहाँ पे रुके परमेश्वर के वचन से इन लोगों को क्या किया, द्वितीय आगमन के बारे में कलीसिया को क्या कर दिया बताया दिया गया। इसलिए हम लोग जो पहली थेसलोनिका किताब 5वां अध्याय पहली वचन में हमने पढ़ा, वहाँ पे कलीसिया को क्या कर दिया, भाइयों को यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में, नहीं तो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का समय और सीजन में कौन सा समय और सीजन में आएंगे परमेश्वर के वचनों में लिखा है ही नहीं, मगर हमें तैयार रहना चाहिए, वो हमारे जीवन में बहुत
गुरुत्व वाला चीज़ है। अगर परमेश्वर हमें कलीसिया में योगदान दिए हैं, हमें भाई भाइयों का नामीकरण देकर रखे हैं, तो हमें परमेश्वर के द्वितीय आगमन के बारे में बहुत कंसर्न होना जरूरी है। वो है कलीसिया का सबसे मुख्य प्रमुख चीज़। इसीलिए हम लोग रोटी तोड़ने का अर्थ क्या है, क्यों रोटी और द्राक्षरस देते हैं, ताकि यीशु मसीह को स्मरण करने के लिए। नहीं तो यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमें हम लोग को क्या, हम अपने आप को क्या करने के लिए, तैयार बना के रखने के लिए। इसीलिए पौलुस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रीति से बताने वाला एक चीज़ क्या, कलीसिया क्या करना चाहिए, सेकंड कमिंग के लिए रेडी रहना चाहिए। हेलो, द्वितीय आगमन के लिए क्या करना चाहिए, रेडी होना चाहिए। इसलिए पहली तेसलोनी उसका पांचवा अध्याय पहली वचन में बताता है, जैसा चोर आता है वैसा ही परमेश्वर की। क्यों? क्योंकि चोर आने वाले का समय किसी को मालूम है ही नहीं। उस तरीके से परमेश्वर क्या किए, एक रहस्य रीति से आने की कोशिश करें। एक बार परमेश्वर सबको सब जानने के हिस्से के हिसाब से यीशु मसीह का आगमन हुआ था। अभी जब यीशु मसीह आ रहे हैं तब सबको दिखा के नहीं आएंगे, वो क्या करेंगे, छिप कर आएंगे। क्यों? ताकि कुछ लोगों को ही वो लेना चाहते हैं। हेलो, क्यों? जो कलीसिया के साथ योग्यदान पाया है, जो कलीसिया को कलीसिया में भाईचारा के साथ अपना जीवन को तैयार रखा है, उन्हीं लोगों को लेने के लिए ही परमेश्वर आ रहा है। परमेश्वर भी बहुत कंसर्न्ड है इन सब चीज़ों के बारे में। इसीलिए यहाँ पे बताया गया, अनुभव में देख सकते हैं परमेश्वर क्या चाहते हैं, द्वितीय आगमन के बारे में बहुत कंसर्न होने के लिए चाहते। इसलिए अपोस्टल पॉल क्या किए, यहाँ पे केवल 3 हफ्ता ही रुके, 21 डेज बस। उस 21 दिन के अंदर ये लोग को क्या किया, द्वितीय आगमन के बारे में बोलकर उनको प्रस्तुत करके रखा। हेलो, इसलिए हमारे कलीसिया का मैसेजेस भी द्वितीय आगमन के आधारित होना जरूरी है। सेकेंड कमिंग का डिक्लेरेशन की जरूरत है, क्योंकि वो एक ही चीज है लोगों को क्या कर सकता है, तैयार बना के रख सकता है। जो तैयार रहेंगे उन्हीं को लेने के लिए यीशु मसीह क्या करेंगे, स्वर्गारोहण होकर आएंगे और उनको ही लेके जाएंगे। इसीलिए कलीसिया का योगदान एक ही चीज है, हमें परमेश्वर की द्वितीय आगमन के बारे में बहुत कंसर्न होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जमाने की कलीसिया को थोड़ा देखो, वो कलीसिया में जो मिलनता थी, वो लोग किस चीज़ के लिए, उनकी मिलाव यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के क्या के लिए, वेट के लिए वो लोग तैयार बन कर रहे थे। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, अपना जमीन सब कुछ बेचकर वो लोग क्या करते थे, एक मन होकर कलीसिया तैयार बैठी, ताकि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में कलीसिया का क्या कर सके, परमेश्वर के साथ एक साथ मिलके जाने के लिए तैयार होने के हिस्सा थी। आजकल के चर्चों का मैसेजेस देखो, आजकल के लोगों का प्रचार क्या है, सब इस क्या बोलते हैं, इस धरती का जीवन कैसा चलाना है, क्या करना है, वही है। कोई भी द्वितीय आगमन के बारे में कभी बोलता ही है ही। अगर मत्ती लिखित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका पहला और तीसरा वचन तक पढ़ते हैं तो देख सकते हैं, एक से लेकर तीसरा वचन तक। हाँ, रहेगा हाँ, हाँ उसके बाद देखो, आजकल लोगों को सबको मिरेकल की जरूरत है, अद्भुत कामों की जरूरत है, किसी को भी द्वितीय आगमन की बात जरूरत है ही नहीं। लोगों का इच्छा क्या है, कैसा मैं मिरेकल पा सकूं, कैसा मेरा रोग, मेरे को अगर रोगी है तो रोगों से कैसा मैं चंगाई पा सकूं। नहीं तो
लोन कुछ है, उस लोन से मैं कैसा रिहाई पा सकूं, नौकरी नहीं है कैसा मैं नौकरी पाऊं। अरे सब कुछ इस भौतिक चीज़ों के बारे में ही ये लोग का क्या है, चिंताधार है। मगर बाइबल कहती है भौतिक चीज़ें हमें नहीं चिंता करनी चाहिए, आत्मिक चीज़ों के बारे में हमें चिंता। हमारा सर हरदम कारचन है स्वर्गीय चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हुए। हमें क्या करना चाहिए, तैयार बैठे रहना चाहिए। हेलो, इसीलिए कलीसिया को पौलुस क्या कर रहे हैं, तैयार करने के लिए द्वितीय आगमन के बारे में बोल रहे हैं। जब तक कलीसिया द्वितीय आगमन के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक वो लोग भाईचारा के हिसाब से कभी नहीं मिल सकते। जब तक कलीसिया के अंदर भाईचारा प्रकट, द्वितीय आगमन के बारे में प्रकट नहीं होती, वाणी नहीं मिलती, लोग कैसे भाईचारा में रुक सकते हैं। अगर द्वितीय आगमन के बारे में प्रचार किया जाता है, द्वितीय आगमन के बारे में बताया दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक भाइयों के बीच में क्या होगा, एक संबंध बनाए रहेगा और सब मिलजुल कर क्या करेंगे, स्वर्गीय तल पर जाने के लिए तैयार बनेंगे। इसलिए पत्रस ने क्या किया, थेसलोनिके के कलीसिया को क्या किया, जागरण करके तैयार बना के रखा। एक आदमी जब स्वर्गीय सौभाग्यता के बारे में सोचना शुरू करता है, कभी भी अपने भाई के पास साथ दुश्मनी नहीं रखेगा। अगर एक व्यक्ति स्वर्गीय सौभाग्य के बारे में समझना शुरू कर लेता है, कभी भी किसी को क्या नहीं करेगा, गंदी तरीके से घिनौनी तरीके से मारने की कोशिश नहीं करेगा, आपस में मिलजुल कर रहने की तैयारी बनेगा। इसीलिए कलीसिया का सबसे इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में है। अभी का जो उद्धारी हमें द्वितीय आगमन के लिए क्या कर सकता है, तैयार बना सकता है। वन सेव्ड, एक बार हम उद्धारी पाए हैं, वो उद्धारी काई के लिए, ताकि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में परमेश्वर के उसी सौभाग्य, जैसे यीशु मसीह कब्र से जी उठे और तीसरा दिन कब्र से जी उठने के बाद तुरंत स्वर्गीय तल पर कैसे गए, उसी तरीके से हमें भी जाना जरूरी है। वो हमारा उद्धारी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। हेलो, वो हमारा उद्धारी का एक पार्ट है। इसलिए हम उद्धारी पाए, कहाँ कहाँ उद्धारी पाए, शरीर में पूरी तरीके से उद्धारी नहीं पाए। अभी भी तुम्हारा वही खून है, वही शरीर है, कोई बदलाव आया क्या तुम्हारे शरीर में? उद्धारी पाने से पहले तुम सीमोन ही थे, वही खून था, वही शरीर था, कोई बदलाव नहीं आया। तो तुम्हारा प्राण और आत्मा की परिवर्तन हुई है, आया ना? उद्धारी तुम्हारी प्राण और आत्मा के अंदर कार्य किया है, शरीर में अभी तक कार्य किया ही नहीं, कब करेगा? यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय तुम्हारा शरीर का रूपांतरित होगा तब। हेलो, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय ही तुम्हारा शरीर क्या होगा, तुम्हारा ये खून और पसीना वाला इसे शरीर क्या हो जाएगा, महिमा रूपी शरीर के समय परिवर्तन होगा। तो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन उद्धारी से भी ग्रेट बनता है। उद्धारी की सुसमाचार से भी बहुत अधिक गहरी चीज है द्वितीय आगमन की चीज। इसीलिए रेवलेशन क्या बताती है, रेवलेशन पूरा द्वितीय आगमन के बारे में बताया गया है। इसलिए वो वहाँ पे बताया गया, जो कोई ये पुस्तक पढ़ेगा वो आशीष पाएगा, जो कोई इसको पढ़ा के सुनाएगा वो भी आशीष पाएगा, जो कोई इसको आचरण करेगा वो भी आशीष पाएगा। उस रीति से परमेश्वर ने क्या किया, आशीष की पैकेज को द्वितीय आगमन के हिस्से में बांट के रखा है। इसीलिए आज हमारा ये मुक्ति का जो रास्ता, आज का जो कलीसिया का सौभाग्य, तुम्हें स्वर्गीय आगमन के लिए तैयार रखना जरूरी है। जो मैसेजेस तुम सुन रहे हो, जो प्रार्थना तुम कर रहे हो, जो उपवास, जहां पे तुम उपवास जा रहे हो, वहां सभी जगहों में अगर तुम्हें द्वितीय आगमन के बारे में प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, स्टॉप, वो काम को बंद कर दो।
ये भौतिक रीति में मिला हुआ आशीष है, कुछ भी हम स्वर्ग में नहीं ले सकते। इसलिए यीशु मसीह कहा, अगर तुम्हारा एक दो 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 हाथे हैं, एक हाथ तुम्हें स्वर्गीय तल पर जाने की अनुमति नहीं, उसको काट दो। इसका अर्थ क्या है? कौन सा बहुत कंसर्निंग है? इस दुनिया में दोनों हाथ रह के रुकना या एक हाथ को कटवा कर दूसरी एक ही हाथ से स्वर्ग जाना, कौन सा अच्छा है? हेलो, दो आंखें हैं, एक आंख तुम्हें बहुत पाप की ओर खींच रहा है, परमेश्वर के वचनों के हिसाब से एक आंख को क्या कर दो, निकाल निचाड़ दो, एक आंख से स्वर्ग चले जाओ, कोई प्रॉब्लम है? लोगों का ये है कि अगर मैं अपना आंख निचोड़ दिया, अगर मैं अपना हाथ काट दिया, मैं कैसे स्वर्ग जाऊंगा? अरे स्वर्गीय योग्यता में जाते वक्त नहीं तो द्वितीय आगमन के समय में तेरा शरीर का रूपांतरण होगा। जब रूपांतरण होगा कोई डिफेक्ट तेरे शरीर में होगा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। में जो कोई भी जाता है वहां पे कोई भी हैंडीकैप्ड नहीं है, आया ना? उदाहरण से लाजर के बारे में परमेश्वर बोल रहे हैं, कौन सा धनी व्यक्ति और लाजर, वो जब इस धरती में जीवन यापन कर रहा था वो कैसा था? दरिद्र, शरीर पूरा घाव से भरा, दुर्गंधी, मगर स्वर्गीय तल पर जाने के बाद उसका शरीर का क्या हो गया? पूरी तरीके से परिवर्तन। इसीलिए ना उस धनी व्यक्ति एक बार देखते ही उसे पता चल गया वो लाजर है। एक कुष्ठ रोगी को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, कौन है पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, मगर एक आरोग्य व्यक्ति को पहचानने में कोई मुश्किल है ही नहीं। इसलिए वो धनी व्यक्ति ने क्या किया, पहचान लिया किसको? हाँ, क्यों? शरीर की रूपांतरण, शरीर की बदलाव, उसका शरीर क्या हो गया? महिमा रूपी शरीर के रीति से बदल गया, वो परमेश्वर के दूतागण के समान, परमेश्वर के समान बदलाव पा गया। इसीलिए वो अपने भाइयों के बारे में क्या बोल रहा है, गवाही दे रहा है, कौन? धनी व्यक्ति, मेरे पांच और भाइयां हैं, उनको यहां पे आने के लिए अवसर ना दो। तो उसको कैसे मालूम वो लोग यहीं पे आएंगे? हेलो, क्योंकि उनका उसका जीवन का हिस्सा क्या था, इस धरती में मैं क्या कर सकूं, मैं अपने शरीर के लिए मैं क्या कर सकूं, मैं अपने जिंदगी के लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसी के लिए उसने क्या क्या भाग दौड़ किया, उसके कारण उसका जीवन कहां तक पहुंच गया, नित्य नरक में जाके पहुंच गया। मगर आत्मिक लोग होने के कारण कलीसिया के कलीसिया में भाईचारा का शब्द के प्रयोग के अंदर हमें परमेश्वर लाने का कारण क्या है, ताकि स्वर्गीय पदवियां, स्वर्गीय योग्यता में हमें भाग्यदान मिलने के लिए तैयार बनने के लिए हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, तैयारित करने के लिए। कलीसिया को परमेश्वर द्वितीय आगमन के बारे में चिन्ह और प्रकाशनों को परमेश्वर दिए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए पौलुस उस चीज के बारे में बहुत कंसंट्रेटेड था, पौलुस ही नहीं चेले भी, जहां कहीं भी जाते थे स्वर्ग राज्य के बारे में, स्वर्गीय पदवियों के बारे में, स्वर्गीय योगदान के बारे में बोलकर लोगों को क्या करते थे, प्रोत्साहन दिलाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। 21 दिन की सेवकाई में द्वितीय आगमन के बारे में प्रचार किया बोलने से सोचो क्या कैसी डेडिकेटेड थी उस कलीसिया। इसलिए हम विश्वासी होने के द्वारा हमारा जीवन केंद्रित होना किस चीज के ऊपर, द्वितीय आगमन के बारे में केंद्रित होना जरूरी है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं जीवता हूं तो यीशु के लिए, अगर मरता भी हूं वो लाभदायक है।
हेलो, मरना कैसे लाभदायक? मरना कैसे लाभदायक? सबके सोच विचार ये है कि मरना एक नष्ट है, मगर बाइबल कहती है मरना एक नष्ट है ही नहीं, वो एक लाभदायक श्रेणी है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की मौत ही डिसाइड करवाता है उसका नया जीवन का शुरुआत। नया जीवन या नया मौत, उस दोनों का हिस्सा उसकी मौत ही डिसाइड करता है। नित्य स्वर्ग चाहिए या नित्य नरक चाहिए, वो मौत ही डिसाइड करवाता है। इसीलिए मरने से पहले ही यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के हिसाब से विश्वास करके, कलीसिया के अंदर योग्यवान पाकर, कलीसिया में अगर भाईचारा के हिसाब से द्वितीय आगमन के बारे में अगर जानकारी पाकर हम अपने जीवन को तैयार बना के रख सकते हैं, तो हमारे लिए नित्य स्वर्ग खुला रहेगा। हेलो, नित्य स्वर्ग हमारे लिए खुला रहेगा, आज भी खुला है। इसलिए बाइबल कहती है कोई भी उसे बंद नहीं कर पा सा, कोई भी उसे बंद नहीं कर पाएगा। स्वर्गीय योग्यता को कोई बंद नहीं कर सकता, मगर हम बंद कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह अधिक तौर द्वितीय आगमन के बारे में, चेले भी यीशु मसीह को ज्यादातर क्या पूछते थे? परमेश्वर तेरी आगमन कब होगी? हम तेरे आगमन के बारे में जानना चाहते हैं। क्यों? कलीसियाओं का नहीं तो भाइयों का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है द्वितीय आगमन। इसलिए हम लोग प्रभु भोज करते हैं जब जब हम लोग मिलते हैं। क्यों? रोटी और द्राक्ष रस देते हैं, वो एक डिक्लरेशन है, वो एक एटेस्टेशन है, वो हमारा जीवन को तैयार रखने के लिए कहां स्वर्गीय पदवी में। इसलिए भाइयों के बीच उन जमानों में कलीसिया के भाइयां जब मिलते थे क्या बोलते थे जानते ना? मारा ना था। क्या बोलते थे? माराना था। मिलते थे तो आज देते माराना था, वापस जब घर जाते थे बोलते थे माराना था। आज क्या बोलते हैं? खाली प्रेज लॉर्ड। सबका बोलने का एक विचार भी देखो, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे गारंटी है? किसी को गारंटी है क्या कल हम लोग मिलेंगे? फिर किस विश्वास के साथ बोलने कल मिलेंगे? मैं भी बोलता हूँ, सब बोलते हैं, हम लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमारा विश्वास ऐसे बन गया कि हम कल भी मिलेंगे। मगर पहली पहली जमाने की कलीसिया कल मिलेंगे से भी ज्यादा अधिकतर वो लोग क्या प्रयोग करते? मारा ना था, हमारा प्रभु आएगा, अवर लॉर्ड कम्स, हिज कमिंग इज वेरी नियर, उसकी आगमन बहुत करीब है। हेलो, आजकल तो खाली माराना था कलीसियाओं का नाम, नहीं तो किसी के घर के दरवाजे के सामने है, किसी की मुंह में सुनाई नहीं देता है। बहुत कम लोग बोलते हैं माराना था। हेलो, इसीलिए आज सुबह के समय परमेश्वर हमें याद दिलाने वाली है कि चीज़ है क्या है, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बहुत कंसर्न होने के लिए तैयारी बने रहना है। हमारा मैसेजेस, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा गाना, सब कुछ द्वितीय आगमन के केंद्रित होना जरूरी है। इसलिए यीशु कहता है सब कुछ पाकर अपना प्राण को बचाया नहीं। यू रिसीव्ड एवरीथिंग बट इफ यू डिड नॉट सेव योर सोल, तेरे प्राण को तूने बचाया नहीं तो क्या फायदा?
मौत किसी भी हिस्सा किसी भी समय हमारे जीवन में आ सकता है। आने से पहले हम अपने जीवन को सिक्योर अगर यीशु मसीह में कर सकते हैं तो मैं एक चीज़ गारंटी बोल सकता हूँ, स्वर्गीय योग्य वक्ताएं तेरे लिए खुला रहेगा। वही चीज़ ना परमेश्वर के दास क्या किए, परमेश्वर के दास स्तेफानुस को पत्थर मारते वक्त भी उसने देखा हुआ दर्शन क्या है, He saw heavens open. उसने देखा स्वर्गीय योग्यता उसके लिए खुला है। यूहन्ना का प्रचार विषय क्या था, स्वर्गीय योग्यताओं के बारे में। उसने भी देखा स्वर्ग खोलता हुआ। हेलो, इसलिए पौलुस यहां पे बहुत रिक्वेस्टिंग रीति से बताया, पहली कुरिंथिया 5वां अध्याय पहली वचन एक और बार पढ़ते हैं, फर्स्ट कुरिंथिया सॉरी फर्स्ट थेसलोनियंस 5वां अध्याय पहला वचन। समय और कालों के बारे में कुछ लिखा जाए उसके बारे में जरूरत है ही नहीं, टाइम एंड सीजन। उसके बाद प्रभु का दिन आने वाला है, प्रभु के दिन आने वाले दिनों आने वाले का समय, क्या तुम तैयार हो? अगर उस चीज के बारे में हम तैयार हैं तो सेवकाई अधिक अधिक करेंगे, कलीसिया को रोज रोज क्या कराएंगे, प्रिपेयर कराएंगे, तैयार करवाएंगे। हाँ या ना, अगर कल या परसों गांव जा रहे हैं नहीं तो कहीं दूर देश जा रहे हैं तो उसके लिए कितना तैयार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें तुमको यूएस को नहीं तो यूके को नहीं तो ऑस्ट्रेलिया को एक वीज़ा मिल गया, कल नहीं तो परसों जाना है, क्या क्या करोगे, कितना बड़ा लिस्ट बनाओगे, क्या क्या नहीं करोगे। अरे उससे अधिक है इस धरती छोड़कर स्वर्गीय योग्यताओं में जाना, उसके लिए कितना ना करने से। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति स्वर्ग को देखा है, स्वर्गीय योग्यताओं को देखा है, उसको इस जगत की कोई भी चीज उसे प्रलोभित नहीं करेगा। इसीलिए यीशु मसीह के सामने कौन आया, शैतान आकर इस दुनिया को चीज़ों को दिखाकर उसको प्रलोभन करने के लिए देखा, मगर यीशु मसीह ने उन सब चीज़ों का क्या कर दिया, खंडन कर दिया। क्यों? क्यों क्यों उसने उसको खंडन कर दिया, क्योंकि वो मेरा हिस्सा है ही नहीं। मेरा हिस्सा इस जागतिक रूपी का चीजों से आधारित होकर रहना है ही नहीं। मेरे चीजें क्या है, परमेश्वर से जुड़ित है, परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है, परमेश्वर के संरक्षण के ऊपर आधारित है, परमेश्वर की योगदान को पाने की मकसद की है, स्वर्गीय राज्य के तत्व के बारे में है। इसलिए इस दुनिया की चीज मुझे कुछ नहीं कर सकी। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, शैतानिक उस औजारों को तंत्र को क्या कर दिया, खंडन कर दिया, तोड़ डाला, उसका इन्फ्लुएंस आने नहीं दिया। उस इन्फ्लुएंस में आने की तैयारी तक नहीं दिया। अगर वैसा है तो हमारा हमारा हिस्सा क्या है। इसलिए आज सुबह के समय अगर हम परमेश्वर के कलीसिया में योगदान पाए हुए व्यक्ति हैं तो हमारा भी इन्फ्लुएंस यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए केंद्रित होना जरूरी है। वो इवेंट बहुत करीब हो रही है, आ रही है। द्वितीय आगमन की जो जो इवेंट है, जो श्रेणी है, इट्स वेरी नियर, बहुत करीब है। उतने करीब वाली चीज को कलीसिया भाइयां बहुत सीरियस तरीके से डील लेना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसीलिए कलीसिया हरदम किस चीज़ के बारे में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, द्वितीय आगमन के बारे में बहुत कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। उसके लिए कलीसिया को प्रिपेयर करना, हमें प्रिपेयर होना जरूरी है। इसलिए जब मैं ये वचनों को पढ़ रहा था, मुझे बहुत उत्साहित किया एक वचन था, पहली कुरिंथिया का किताब 15वां अध्याय में मारा ना था कि जो शब्द, वो शब्द मुझे बहुत क्या कर दिया, हिला के रख दिया। पढ़े हो दूसरी कुरिंथिया 13वां अध्याय, उसकी आखिरी वचन, माफ करना पहले कुरिन्थियों 16 का 22वां वचन, अगर कोई परमेश्वर से प्रेम ना रखे तो वह शापित हो। अगर कोई परमेश्वर से प्रेम ना रखे वो क्या बन जाएगा, उसका अर्थ क्या है? अगर कोई परमेश्वर को मानता नहीं, अगर कोई परमेश्वर को रेस्पेक्ट करता नहीं, अगर कोई परमेश्वर के वचनों को विश्वास करता नहीं, उसको क्या मिलेगी? श्राप। उसे श्राप ना मिलने के हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को प्रेम करना जरूरी है, परमेश्वर को वचनों के ऊपर आधारित होना जरूरी है। ऐसा है तो हमारा शब्द का प्रयोग क्या होगा? उसका नेक्स्ट वचन मारा ना था हो, अगर श्रापित नहीं है तो हमारे मुंह में कौन सा हिस्सा आएगा? मारा ना था मतलब उसका अर्थ क्या है? मेरा परमेश्वर आ रहा है, आवर लॉर्ड कम्स, मेरे परमेश्वर आने वाले हैं। हेलो, यीशु मसीह को प्रेम करने के द्वारा, यीशु मसीह के वचनों के आधारित होने के द्वारा तेरे अंदर की श्राप तुझसे क्या करेगा? छुटकारी दिलवाएगा। छुटकारी पाया हुआ एक व्यक्ति किस चीज़ के बारे में कॉन्सेंट्रेट, मारा ना था के बारे में कॉन्सेंट्रेटेड होगा। हेलो, मेरे मसीह आ, मेरे प्रभु आ, उस चीज के बारे में कॉन्सेंट्रेट करके अपना जीवन को क्या करेगा? इस शब्द का प्रयोग करेगा। मतलब से बाय बाय से अच्छा शब्द है माराना था। बाय बाय जो बोलते हैं उससे भी अच्छा शब्द है कौन सा? माराना था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया का सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है यीशु मसीह की द्वितीय आगमन। अभी दूसरी समूएल के किताब 19वां अध्याय उसका 11वां वचन, दूसरी समूएल 19वां अध्याय उसका 11वां वचन, 11, 12, 13। तब राजा दाऊद ने साधु के पास पहला भेजा, यहूदी पुरनियों से कहो, तुम लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो? जबकि इज़राइल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाए। तुम लोग तो मेरे भाई, मेरी हड्डी और मेरा और मांस हो, तो तुम राजा को लौटने पे सबके पीछे क्यों होते हो? यहाँ पे लिखा गया अनुभव में देख सकते हैं, दाऊद अपने राजकीय पदवी में रुकते समय यूदा के लोग उसको राजा के समान एक्सेप्ट किए, मगर इसराइलियों के लोग क्या नहीं किए, एक्सेप्ट नहीं किए। उसका 19वां वचन में अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं उसका इकलौता बेटा कौन? अब्सलोम। दाऊद का विरुद्ध बनकर राजा की पदवी क्या किया, लेकर राजा बन गया। कुछ लोगों को क्या किया, अपने अंडर में रखकर वो राज्य की सिंहासन पे चढ़ गया। कहाँ? जब तक कि एक साइड में उसके पप्पा राजा थे,
और अब्सलोम क्या कर रहा था? अपने पापा को मारने के लिए घूम रहा था। तो 19वां अध्याय पहली वचन में देख सकते हैं किसकी मौत होती है, अब्सलोम की मौत हो जाती है। अब्सलोम को क्या करते हैं, विदेशी राजाएं मिलकर उसको क्या करते हैं, कत्ल करके मार देते हैं। हेलो, अगर 18वां अध्याय अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं अब्सलोम की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। मौत होने पर इसराइलियों का कोई राजा नहीं ठहरता। तब लोग कहां पे आए, किसके निकट आए, दाऊद के निकट आए। क्या लेकर? एक मैसेज लेकर आए। उसका 11वां वचन पढ़ो। सॉरी, उसके नवी नवा वचन पढ़ने से पता चलेगा। नौ 19 का 9। देखा ना, उसके बाद देखो अवसर पाने पर भाइयां किसी और को राजा भी बना देंगे, अवसर पाने पर किसी को राजा बनाने के लिए भी तैयार बनेंगे। ऐसे लोग भी हैं। यही इसराइली लोग बिना अनुमति के क्या किए, अब्सलोम को अभिषेक कर दिए। क्या के लिए? राजा के लिए। तब दाऊद की जरूरत ही नहीं थी। जब उनके राजा अब्सलोम की मौत हो गई, उनका राज्य शत्रुओं से क्या होगा, शत्रुओं की शक्तियों के ऊपर आधारित बन गया, तब उनको किसकी जरूरत पड़ी, राजा की। क्या बुला रहे, तुम तो हमारे भाई हो। पहले कहां गया इनका भाई का भाईचारा? जरूरत पड़ने पर नेगोशिएट करके भाई बनेंगे, जब जरूरत नहीं पड़ेगी कोई नेगोशिएशन नहीं, कुछ नहीं। मगर दाऊद एक आत्मिक व्यक्ति होने के कारण वो इसराइली लोग दुष्टता के पूर्ण होकर क्या किए, अब्सलोम को राजा बनाकर अलग होने पर भी दाऊद के निकट आकर ये लोग भाई के हिसाब से बोलते वक्त दाऊद ने उनको क्या नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। दाऊद ने उनको क्या किया, एक्सेप्ट किया। वो है भाईचारा। इसलिए यीशु मसीह सिखाने वाली चीज क्या है, तुझे तेरे विरोध में आए तुम उसको विरोध में मत जाओ। क्या करो उसको, तुम क्या करो, प्रेम से आशीष करके उसको तुम्हें क्या करो, प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे निकट स्वीकार करो। वो है परमेश्वर का मेंटालिटी। इसीलिए दाऊद को यीशु मसीह के साथ क्या किया जाता है, पिक्चराइज करके बताया दिया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म बेतलहम में हुआ, दाऊद का भी जन्म बेतलहम में हुआ। दाऊद को भी परमेश्वर ने अभिषेक किया था, यीशु मसीह भी अभिषेक पाए हुए व्यक्ति थे। तो दाऊद और यीशु मसीह में कुछ सिमिलैरिटियां हैं। इसीलिए दाऊद में यीशु मसीह का तत्व था। इसीलिए वो अपने भाइयों शत्रुओं बनकर रहने पर भी, अवसर पड़ने पर वो लोग जब मित्र बनने के लिए आए, उनके विरुद्ध में वो शत्रु नहीं बना, मित्र बनकर उनको भाई के समान एक्सेप्ट करके उनके लिए भी राजा की पदवी को क्या किया, उसने ओपन अप करके दिया। वो है भाईचारा। क्योंकि दाऊद भविष्य के बारे में बहुत चिंतित थे। अगर मैं इसराइलियों का राजा नहीं बनता, अगर ऐसी परिस्थिति में मैं ये लोग का भी जरूरत होने पर ये लोग आए इसके निकट, किसके निकट, दाऊद के पास। अगर इस जरूरत वाली सिचुएशन में मैं इनको राज्य
राज्य पालन में अगर मैं हिस्सा नहीं देता तो इनका भविष्य का जीवन, इनका भविष्य का आत्मिक जीवन क्या हो सकता है, विनष्ट हो सकते हैं, ये लोग परमेश्वर से अलग हो सकते हैं। उस चीज को जानकर दाऊद अपने आप को क्या करता है, नीचा कर रहा है, हम्बलिंग हिंसल। हेलो, कितने कितने परिस्थितियों में हम अपने आप को हम्बल करना बहुत अच्छा है। अगर हम नीचा नहीं होंगे तो जो अगर जो कोई भी ऊंचा होने के लिए आ रहा है वो परमेश्वर के साथ रिश्ता काट ही नहीं सकता अगर हम नीचा नहीं होंगे। इसलिए पौलुस क्या करता है, परमेश्वर मैं घटूं तू बढ़। यूहन्ना भी वही करता, परमेश्वर मैं घटूं तू बढ़ मेरे घटने के। इसीलिए भाईचारा का श्रेष्ठता क्या है, हमें अपने आप को घटने की। भाईचारा को अच्छी तरीके से अर्थ करने का अर्थ यह है कि तुम्हारे लिए कुर्सी वहां पर होते पर भी होने पर भी तुम्हें नीचे बैठने के लिए तैयार मन। हेलो, कुर्सी होने पर भी, जरूरत पड़ने पर कुर्सी से नीचे उतरने के लिए भी तैयार होने वाली एक मन। यीशु मसीह के जन्म के समय हेरोदिया के राजा वो डर गए, क्यों? एक राज्य में दो राजा नहीं रख सकते। हेलो, एक राज्य में दो राजा कभी भी नहीं रुक सकते। इसीलिए हेरोद ने क्या किया, यीशु मसीह जो राजा थे उसको मारने के लिए क्या किए, डिक्लेरेशन दे दिए। हेलो, मगर यीशु मरा क्या? नहीं मरा। यीशु नहीं मरा भी नहीं, मगर वो राजा ही था। क्यों? यीशु मसीह राजा होने पर भी वो क्या कर रहे थे, धैर्य समेत लोगों के निकट जाते थे, सुसमाचार बोलते थे, चंगाइयां करते थे, वचन घोषणा करते थे। अरे कोई कौन ऐसा राजा रहेगा ऐसा काम करने वाला? सब राजाएं क्या करेंगे, अपने सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार जब नहीं रहेंगे। यीशु मसीह अपना सिंहासन तोड़कर नीचे उतरने के लिए तैयार बने, वो है हम्बलनेस, वो है भाईचारा। वो चीज दाऊद ने दिखाया अपने कुर्सी से लोगों को बचाने के लिए, लोगों को उधारी देने के लिए, लोगों को भाई के समान एक्सेप्ट करने के लिए दाऊद तैयार बना। इसलिए दाऊद क्या प्रयोग करता है 11वां वचन में, 19:11, आइए उस तुम लोग मेरे भाई, कौन बोल रहा है, दाऊद बोल रहा है, तुम लोग तो मेरे भाई, मेरे खून के खून। मैं जिस परमेश्वर को बुलाता हूं वही परमेश्वर को तुम भी बुलाते, हम लोग भाइयां हैं। उस हिस्सा किसको पता चल गया, दाऊद को पता चल गया। एक्चुअली अगर देखें ये लोग शत्रुओं से जय होने के लिए ये हिस्सा बोल कर रहा है, मगर दाऊद ने अपना मन खोल कर उनको क्या किया, भाइयों के समान एक्सेप्ट कर दिया। वो है शत्रुओं का प्रेम करना, वो है शत्रुओं के प्रति दया दिखाना। उस चीज को दाऊद ने अपने जीवन में दिखाया। ऐसा है तो हम कलीसिया के अंदर योग्यता पाए हुए व्यक्ति, हमें भी अपने जीवन में इस चीज को दिखाना जरूरी है। लोग हमारा विरुद्ध करना चाहिए, लोग हमारे भी विरुद्ध आना जरूरी है। अगर विरुद्ध नहीं आएंगे तो हमारे अंदर की भाईचारा कैसे बाहर निकलेगी? लोग हमें सताव देना जरूरी है, अगर सताएंगे नहीं तो हमारे अंदर की वो क्या करते हैं, हम्बलनेस कैसे बाहर दिखाई देगी? अगर लोग हमें बाधा नहीं देंगे कैसे हमारे अंदर की चीज बाहर दिखाई देगी? आया ना,
इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर बाहर नहीं देखते, क्या देखते हैं? हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे अंतरंग को देखते हैं, हमारे अंदर के हिस्सा को देखते हैं। ही इज कंसर्न्ड अबाउट आवर इनसाइड। अगर अंदर ठीक है तो कहीं भी बैठेंगे, कुछ भी खाएंगे, किसे भी माफी मांगेंगे। हेलो, अगर अंदरी हिस्सा ठीक है कहीं भी बैठेंगे, कहाँ जो भी दिया जाएगा खाएंगे, किसी को भी माफी मांगेंगे। आया ना? अगर अंदर ठीक नहीं है, अगर अंदर ठीक नहीं है तो क्या हिस्सा है? हाँ, उल्टा। वो क्या ढूंढेगा? पदवी, कुर्सी। कभी नीचा नहीं होगा, कभी भी किसी को माफी देगा भी नहीं, माफ करेगा भी नहीं। ये चिन्ह किसके बारे में है? शैतान के बारे में। आया ना? स्वर्गीय तल पर रुका हुआ शैतान परमेश्वर का विरुद्ध होने का कारण क्या है? एज़ेकेल की किताब में उसने शैतान ने बोलता हुआ एक प्रयोग को देखा, मैं तेरे से भी ऊंचा क्या करूंगा, अपना सिंहासन बनाऊंगा। तो उसका अर्थ क्या है? वो बैठने के लिए तैयार है। कहां? ऊंची पदवी पर। नंबर टू, कभी भी मैं नीचा नहीं होऊंगा, परमेश्वर के ऊपर सिंहासन को क्या करूंगा? बनाऊंगा। कभी भी मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, किसी का माफी मैं मांगूंगा भी नहीं। उस तरीके से शैतान अपना जीवन में नाश नष्ट लेके आया, मगर कलीसिया के योग्यदान पाए हुए व्यक्ति, हमें शैतानिक नाश विनाश में योग्यदान पाना नहीं, हमें अपने आप को क्या करना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर परमेश्वर की वचन के हिसाब से हमें क्या करना, नीचे उतरना जरूरी है। हेलो, वो दाऊद के जीवन से हम लोग सीख पा रहे हैं, उस हिस्सा को दाऊद अपने जीवन में दिखाया, उस चीज को दाऊद अपने जीवन में प्रकाशन में लाके दिखाया। इसलिए अपने भाइयों के हिसाब से उनको क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जो कलीसिया पौलुस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी, उन कलीसियाओं के लिए भी परमेश्वर क्या करते थे? प्रार्थना, निवेदन। उन कलीसियाओं को भी पौलुस क्या करता था? पत्रिकाएं लिखता था। क्यों? क्यों पौलुस अपना नाम शौल से पौल कर दिया? शौल का मतलब बड़ा, पौल का मतलब छोटा। उसको ऐसा लगा कि मेरा नाम मुझे बड़ा बना सकता है, मेरा नाम। मैं बहुत सारे लोगों को पूछा, क्यों आप लोग नाम को बदल रहे हैं? नहीं, हम लोग विश्वासी बन गए इसलिए नाम बदल रहे हैं। विश्वासी बनने से नाम बदलना जरूरी है? अरे, विश्वासी बनने से नाम बदलने की जरूरत नहीं। अगर तुझे लगता है तेरा नाम तेरे परमेश्वर से भी बड़ा है लग रहा है, तब तू बदल। समझे? नहीं, शौल को लगा उसका जो नाम है परमेश्वर से भी बड़ा है लगा, इसीलिए उसने क्या किया? उस नाम को बदलने की कोशिश किया। समझ रहे हो? यीशु मसीह को विश्वास करने से नाम बदलना है, उनके ऐसा कुछ नहीं है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए लोग, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है क्यों नाम बदल रहे हैं। उसका अर्थ यह नहीं है कि नाम बदलने के बाद जो नाम बुलाया जा रहा है वही नाम ही को कंटिन्यू करना जरूरी है। इसलिए पौल का नाम, शौल का नाम पौल बदलने के बाद फिर कभी भी किसी ने उसको शौल के नाम पे बुलाया है ही नहीं।
ऐसा है तो उन जमानों में नाम का बदलाव लाना है तो क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट सब कुछ में, रिकॉर्ड्स में, सब कुछ में नाम को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। आज भी ऐसे ही है ना, नाम बदलना बहुत मुश्किल है। आजकल के विश्वासी लोग जो हैं, जो कोई भी नाम बदल रहे हैं, कोई भी परमानेंट बना रहे हैं क्या उस नाम को ना, बस एक ट्रेंड के हिसाब से नाम बदल। अरे नाम बदलने की सेवका ही नहीं, अपने अंदर की पहचान को बदलाओ, स्वभाव को बदलाओ, जीवन की चर्या को बदलाओ, भाईचारा में आओ। इसलिए दाऊद क्या किया, अपने भाइयों को बचाने के लिए वो अपने आप को नीचा ठहरा गया। तो ये लोग जो आए थे उनका विचार क्या था, जो इसराइल के लोग थे दाऊद के निकट, उनका विचार क्या था, उनका विचार ये था कि उनको शत्रुओं से बचना है। दाऊद हो या दाऊद अबशालोम हो, अबशालोम जो कोई भी हो, वो था उनका विचार। हेलो, लोगों की क्या सोच विचार वो हमें नहीं सोचना, हमारा क्या सोच विचार है, हम कैसे परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए हम कितना नीचा उतर सकते हैं, उस चीज के बारे में हमें देखना चाहिए। इसलिए क्या हुआ जानते हो ना, दाऊद का नाम परमेश्वर क्या किए, रोशन करके रखे। दाऊद का नाम परमेश्वर कभी भूले नहीं, उसके गलतियों पर भी परमेश्वर उसको क्या किए, सुधारे। उतने करीबी तरीके से परमेश्वर क्या किए, दाऊद के लिए उतर आए, मगर इसराइलियों के लिए उतना ज्यादा नहीं। समझ रहे हो, अभी मत्ती लिखित सुसमाचार उसकी 12वां अध्याय उसकी 46, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 46। यहाँ पे किसके बारे में, यीशु मसीह के भाई और इस यीशु मसीह के कौन, बहन भाई और उनके माँ कहाँ पे आए थे, यीशु मसीह को मिलने के लिए आए थे। फिर एक बार उसका 46 पढ़ते, तो यीशु मसीह भीड़ के साथ क्या कर रहे थे, सुसमाचार बोल रहे थे, नहीं तो वाक्य घोषणा कर रहे थे। तब कौन भी आया, अरे उनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं दिया। हेलो, उनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं दिया, इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे, खड़े थे। खड़े होने के बाद उसके बाद और वो लोग किससे बात करना चाहते थे, तो मेरा सवाल है, जब वो यीशु के भाई और यीशु के माँ हैं, यीशु से बात करना चाहते हैं, यीशु मसीह के एक ही फैमिली में आने वाले व्यक्तियां हैं, क्या उनको अवसर नहीं है क्या बीच में घुस आकर उनसे, यीशु से बात करने के लिए अवसर है या नहीं, तो भी वो लोग क्यों बैठ किए। योहना के हाँ, वो भी एक तरीके से करेक्ट है, क्योंकि मरियम को मालूम था यीशु मसीह का एक जो बिजनेस है वो उसका खुद का बिजनेस नहीं है, उसका फादर उसका पिता का बिजनेस है। यीशु मसीह जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने मनमर्जी नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर से पाया हुआ हिस्सा को क्लियर करने के लिए, नहीं तो परमेश्वर से पाया हुआ वाचाओं को क्लियर करने के लिए, उस बिजनेस को डील करने के लिए आए हैं। इसीलिए मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, अगर जरूरत पड़ा तो मुझे वेट भी करना है तो वेट भी मैं करूंगा मेरे फैमिली और बच्चों के साथ। हेलो, अगर तुम परमेश्वर के लिए बहुत कंसर्न हो तो लोग तुम्हारे लिए वेट भी करेंगे, वो वेट करना उनके लिए एक घिनौनी हिस्सा है ही नहीं,
इसीलिए मरियम और यीशु मसीह के भाइयाँ क्या किए, वेट किए, मगर यीशु मसीह क्या कर रहे थे, वचन घोषणा कर रहे थे, उनके भाई और उनके माँ वहाँ खड़े थे, बात करना चाहते थे। वो लोग को मालूम था कि यीशु मसीह जो कुछ भी कर रहे हैं वो परमेश्वर की मकसद को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम उसके लिए क्या नहीं बनेंगे, एक रोक या टोक नहीं बनेंगे। वो है भाईचारा। हम किसी की आत्मिक बिजनेस का रोक टोक करने वाले नहीं बनना चाहिए। वैसे लोगों को कलीसिया के अंदर भाईचारा का शब्द प्रयोग किया ही नहीं जाता। डोंट स्टॉप somebody's heavenly बिजनेस, किसी की स्वर्गीय बिजनेस को रोक टोक मत करो। वो चीज मरियम को बहुत अच्छी तरीके से मालूम था, इसीलिए वो लोग क्या किए, खड़े होकर वेट किए। वेट करना ही नहीं, उसका नेक्स्ट वर्स में पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या बोलते हैं यीशु मसीह, क्या बोलते हैं। देखो किसी ने उसको रिकमेंडेशन देके बोला, देखो तुम्हारा माँ और भाई है कहाँ, वचन के बीच में। हाँ उसके बाद हाँ उसके बाद हाँ उसके बाद हेलो, जो कोई मेरी स्वर्गीय पिता के इच्छा के हिसाब से चले, हाँ तो यीशु मसीह के भाई और भाई और माँ किसके हिसाब से चल रहे थे, अपने हिसाब से, राइट करेक्ट, अपने हिसाब से चल रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह उनको भाई नहीं तो माँ कहने के लिए तैयार नहीं बना। जो कोई परमेश्वर की इच्छाओं को पूर्ण करेगा, जो कोई परमेश्वर के बिजनेस पर डील रखेगा, उसी को परमेश्वर अपना भाई मानते हैं, बाकी किसी को भी परमेश्वर अपना भाई नहीं मानते। उसी रीति से परमेश्वर क्या किए, अपने भाइयों और माँ को क्या किए, वचन से आधारित करके बोल रहे स्टॉप डिपेंडिंग अपॉन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखना बंद करो, परमेश्वर के ऊपर आधारित हो।